अस्सलाम वालेकुम। वी विल वेट फॉर एवरीवन टू ज्वाइन इन। Assalamu alaikum, everybody write salam, and also can you guys see the screen and can you guys hear me? So we were discussing about accents. Wa alaikum assalam everyone. And we were discussing about accents and what are accents. Somebody can tell me what accent is? Yes. Or how we pronounce a word and way of pronouncing a language. Sorry.
So when we say that accent, so accent is a description of aspects of pronunciation which identify where an individual speaker is from socially or regionally. तो एक्सेंट एक तो वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन भी है, एक वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज जब आप स्पीक कर रहे हैं, चाहे वो उर्दू कर रहे हैं, चाहे वो आप इंग्लिश कर रहे हैं, वो आप किस तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से उस लैंग्वेज के अल्फाज को आप अदा करते हैं. दूसरा, आपके जो एक्सेंट्स में आपको पता चलता है कि इसमें आपकी टोन, पिच, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, किस तरह की टोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी इसमें शामिल होता है. एक और चीज़ एक्सेंट के जरिए हमें पता चलती है, वो ये पता चलती है कि जो इंडिविजुअल स्पीकर है या पूरी कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स हैं, वो किस रीजन और सोशल क्लास या सोशली या रीजनली वो कहाँ से बिलोंग करते हैं. कुछ आइडिया, वी आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स इन प्रीवियस क्लास, टू प्लीज राइट सम एग्जांपल्स. How would I know that somebody is from which socially and regionally background? रीजनली हम इस तरह से पता चलता है कि डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, ठीक है, तो जैसे, और सोशली ये पता चलेगा कि क्या वो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता है या वो एजुकेशनल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है. जब हम रीजनली बात करते हैं तो हम पाकिस्तान में देखते हैं कि बहुत से लोग डिफरेंट अंदाज से डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. उर्दू भी कहीं डिफरेंट अंदाज से बोली और प्रोनाउंस की जाती है, ठीक है. इसी तरह से सिंधी, बलोची, पश्तो, ये लैंग्वेज भी डिफरेंट अंदाज से, हर डिफरेंट इलाके में डिफरेंट अंदाज से प्रोनाउंस की जाती है, चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे एक लाइन हो, चाहे इसी तरह से कुछ आगे हो. जैसे कि रे जो है, रे का इस्तेमाल जो है वो हमारे अक्सर जो है उर्दू में लोग कर जाते हैं जब भी प्रोनाउंस कर रहे होते हैं कुछ बात, तो वो आपको देखने में सुनने में मिल जाएगा. कुछ खास रीजन के हमारे जो हैं भाई बहन, वो रे का इस्तेमाल करते हैं, रे की जगह, ठीक है. फिर सोशली हमें कैसे पता चलेगा, कुछ आइडिया कि एक आदमी किस तरह से सोशली बैकग्राउंड उसका जो है वो कैसे पता चलेगा प्रोनाउंसिएशन से. एक्सेंट से हमें रीजनली इस तरह से भी पता चल गया, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक अच्छे मेन कराची से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू जो होंगे, उर्दू स्पीकर होंगे, चाहे वो उनकी उर्दू बहुत साफ़ होगी, ठीक है, बहुत अच्छा उनका प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई देहात से आ रहा होगा पाकिस्तान में, कहीं से भी आ रहा होगा, तो वो जब भी उर्दू बोलने की कोशिश करेगा तो उसकी उर्दू थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है. तो हमें पता चल जाएगा कि ये कराची का रहने वाला नहीं है. कराची में चाहे इवन बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट इलाकों से भी आके रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रहकर बोलकर उनकी जो है वो उर्दू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत साफ हो गया है, ठीक.
फिर दूसरा ये होता है कि अगर आप बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन चाइनीज इंसान आपसे बात कर रहा है। अगर चेहरे से मालूम नहीं भी हो रहा और आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो जब वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, ये यकीनन चाइना से या फिर अरब ममालिक से ताल्लुक रखता है, क्योंकि उनके कुछ वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते जो कि इंग्लिश में मौजूद होते हैं। ठीक, अब सोशली का ये है कि सोशली आपको इस तरह से पता चलेगा कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो जाहिर सी बात है उसका उर्दू तलफ़ुज़ बहुत डिफरेंट होगा बनिस्बत जिस जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि आप रीडिंग एंड राइटिंग करने के दौरान अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। ठीक, एजुकेशनल लोग जब कोई भी बात कोई भी जबान इस्तेमाल करते हैं, एजुकेटेड लोग जो भी जबान इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अपनी मदर टंग को इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे वो उर्दू इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे वो इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हों, उनकी प्रोनाउंसिएशन ये चीज बताएगी कि ये बंदा पढ़ा लिखा है। इस एजुकेशन में दोनों चीजें आ जाती हैं, एक एजुकेशन हमारे पास आ रही है जो कि ये वाली है जो हम अगर हम मुसलमान इस्लाम के जमरे में आके बात करें कि हमारे पास जो दुनियावी तालीम है उस वाली एजुकेशन का भी हमें पता चल जाता है, और दीनवी तालीम वाले जो हजरात होते हैं उनकी भी एजुकेशन का पता चल जाता है जब वो उर्दू बोलते हैं या कोई भी जबान इस्तेमाल करते हैं या अपनी ही जबान जब वो इस्तेमाल करेंगे, चाहे उनकी कोई मदर टंग जो उर्दू ना हो या इंग्लिश ना हो। ठीक है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सोशली अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड हमें किसी के एक्सेंट से पता चल रहा है तो इसमें सिर्फ जो है वो साइंस और इंग्लिश पढ़ने वाले या शहर के रहने वाले लोगों की बात है, नहीं, दीनी इल्म जिनके पास होता है, जो हमारे उल्मा कराम होते हैं, जो हमारी मौलिमाएं होती हैं, अगर आप उनसे बात करें या उनके वाज सुने तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने कितना पढ़ा हुआ है, ये कितना एजुकेशनली जो है वो माहिर है। तो उनकी इवन अगर वो अपनी मदर टंग में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उनकी मदर टंग है, उसमें भी एक बिल्कुल डिफरेंट होगा उस शख्स से जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, सही। और फिर अगर उसके साथ साथ अगर आपको अल्लाह ने कर्म किया हुआ है और आपके पास दीनी और दुनियावी दोनों इल्म हासिल हैं आपको, तो फिर और ज्यादा आपके एक्सेंट्स में जो है वो अल्लाह में जो है वो बेहतरी कर देता है। यहाँ पे तो हमने पाकिस्तानी की बात कर ली। अच्छा, आप अगर अमेरिका या इंग्लैंड चले जाएं तो वहां पे भी आपको ये डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड आप आराम से मालूम कर लेंगे। कुछ आइडिया है एक्सेंट के जरिए आपको कैसे पता चल जाएगा कि किसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है या रीजनली वो कहाँ का रहने वाला है? जी यस, जिन्होंने बोला जी बोलिए, कैसे, हाउ वुड यू नो दैट? Raise your hand now, and I will have a. Where are you? Please raise hand. हेलो मैम, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, हेलो जी मैम, मैम
हर लैंग्वेज से पता चल जाता है, उसके अंदाज से, उसकी प्रोनाउंसिएशन से पता चल जाता है कि उसका एक्सेंट किस तरह, जैसे अमेरिकन बंदा होगा तो अमेरिकन टाइप का एक्सेंट होगा, जिस तरह से हमारी उर्दू है तो उर्दू में, उर्दू भी मतलब अगर कोई सिंधी उर्दू बोल रहा है तो उसकी लहजे, उसके लहजे में थोड़ा सा क्या बोलते हैं फर्क आएगा। अगर पठान जो है वो ही उर्दू बोल रहा है तो उसके लहजे में पठानी एक्सेंट आएगा, तो इस तरह से। नहीं, मैं ये भी कोई आइडिया होगा कुछ के अमेरिकन और ब्रिटिश में सोशली आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये किस तरह का स्पीकर है, ये किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है कुछ। यस मैम, पता चल सकता है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको पता चल सकता है। जैसे अमेरिकन हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, जैसे बिस्किट्स कहते हैं, और ब्रिटिश वाले कुकीज वगैरह कहते हैं, तो इस तरह से पता चलता है। और जो अमेरिकन एक्सेंट वाले होते हैं वो मतलब इतना ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते, वो वर्ड्स अमूमन वर्ड्स वो स्किप कर जाते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश एक्सेंट वाले होते हैं वो बिल्कुल वर्ड को बिल्कुल सही से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सही सही, ठीक है, थैंक यू अमान, होप सो सही बोल दिया मेरा नाम, थैंक यू सो मच। ओके जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने भी बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगर हम सोशली बैकग्राउंड की एक और बात करें तो सारे सोशली हमें एक और चीज भी पता चलती है कि कौन अपर क्लास से ताल्लुक रखता है और कौन लोअर क्लास से ताल्लुक रखता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम रोजाना, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर अपने उन लोगों से बातचीत कर रहे हो जो पढ़े लिखे नहीं होते या लोअर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, तो उनकी उर्दू भी, उनकी मदर टंग भी बहुत डिफरेंट होगी एक अपर क्लास के लोगों की। ठीक है, तो इस तरह का भी आपके पास सोशली जो है वो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। ज्यादातर अदब का लिहाज, मतलब आप जनाब की जो बातें होती हैं वो ज्यादातर अपर क्लास के लोग बात करते हैं। इवन आपने देखा होगा कि वो अपने बच्चों से भी कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, और जो नहीं होते लोअर क्लास के लोग होते हैं पहले तो एक खतरनाक सी गाली देते हैं, फिर उस बच्चे को बुलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है अक्सर रास्ते में चलते हुए भी। अगर हम बैगर्स को देखें तो वो अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक कर रहे होते हैं, या मजदूर वगैरह जो होते हैं वो भी इस तरह से होते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि जो भी अपर क्लास होगी सोशली, जो भी अपर क्लास होगी वो बहुत डिफरेंट बिहेव करती है। कुछ आइडिया है कि हमारे पाकिस्तान में अपर क्लास जो है वो क्या कैसे बिहेव करती है, उसकी एक्सेंट से कैसे पता चल जाएगा हमें? जी यस मैम। मैम अपर क्लास वाले लोग जो है वो अपने लैंग्वेज में, जिसे अगर वो उर्दू कह रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा तो वो इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई भी इंग्लिश वर्ड बीच में डाल दिया, ठीक है। और उनका एक्सेंट भी थोड़ा इंग्लिश टाइप का, जैसे वो अगर उर्दू भी बोल रहे हैं तो उसमें भी वो इस तरह से उर्दू बोलेंगे जैसे वो इंग्लिश बोल रहे हैं, उनका एक्सेंट इंग्लिश का होता है। लास्ट क्लास याद है आपको, गुड, शाबाश, वेरी गुड। ओके, और दूसरा आप ये देखेंगे कि अगर हम, मैं जैसे इंग्लिश बोलूं या अमान इंग्लिश बोलें या सीमा इंग्लिश बोलें, तो वो सिंपल तरीके की इंग्लिश बोलेंगे, और उनका जो इवन अपर क्लास जिनको हम, वैसे मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती लेकिन हम बर्गर्स कहते हैं, तो उनकी इंग्लिश जो होती है वो बहुत डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन उनकी होती है। ठीक है, वो ज्यादातर ना इस किस्म की खतरनाक किस्म की आवाजें भी उसमें जो है वो ऊपर ऐड कर देते हैं। आई डोंट नो, इस मतलब आई डोंट नो भी इजी है, ठीक है, लेकिन उसको इस तरह से कहने का कोई खास जरूरत नहीं होती। लेकिन जाहिर सी बात है, आप अगर कोई ना भी जानता हो कि ये अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो हम उनके एक्सेंट चाहे उर्दू की हो चाहे इंग्लिश का हो, उससे हम उनको पता कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आप अमेरिका में हो और आप ब्रिटिश में हो, तो वहाँ पे भी आपकी अपर क्लास जो होगी वो इसी तरह से ही बिहेव करती है। पूरी दुनिया में अपर क्लास जो है वो एक ही तरह की होती है और वो एक ही तरह से बिहेव करती है।
और बेचारे जो गरीब लोग होते हैं वो एक तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि हम सब की फिनेंशियली जो हालात होते हैं वो हमें एक इस तरह से बिहेव करने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन अपर क्लास में जो ज़्यादातर पढ़ लिख जाते हैं, जो अपने आप को अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो अगर आप उनको सुने, कभी बातचीत करने का आपको मौका मिल जाए उनके साथ, या फिर वो आप उनकी तकरीर वगैरह सुनने, जैसे हमारे सारी दुनिया जो है वो प्रेस करती है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर शहीद भुट्टो साहब को, तो मैं जब भी एक्सेंट पे बात करती हूँ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनकी तकारीर जाके सुने, आपको अच्छी लगेंगी, आपको समझ में आएगा कि एक अच्छा प्रोनाउंसिएशन, एक अच्छा एक्सेंट, एक अच्छी तरह से किस तरह से बातचीत करनी चाहिए इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उर्दू हम नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है उर्दू जब उन्होंने ज्यादा बोली नहीं तो हम नहीं कह सकते उस बारे में, हम इस बारे में हम बिलावल को भी इस चीज के लिए नहीं कह सकते, हम बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी इस चीज के लिए नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज उन्होंने ज्यादा पढ़ी, जिस चीज में ज्यादा उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की है, तो वो बहुत एक अच्छा मैार है हमारे पास, जिसको देख के आप अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपना एक्सेंट बना सकते हैं। ठीक है जी, दूसरा इवन हमारे इमरान खान भी उस लेवल पे नहीं, सॉरी। अब यहाँ पे हम ये बात कर ली। अच्छा, एक और चीज हमें मालूम चलती है एक्सेंट से, ये दो तो हमने बता दिया, किसी को आइडिया होगा कि एक्सेंट से एक और चीज हमें क्या मालूम हो जाएगी एक शख्स के बारे में? इंडिविजुअल स्पीकर, किसी के एक्सेंट से हमें किसी के स्पीकिंग की वजह से उसकी रीजन का पता चलता है, उसके सोशल सोशली बैकग्राउंड का पता चलता है कि आया वो पढ़ा लिखा है, अपर क्लास का है, लोअर क्लास का है, किस तरह से उठता बैठता है। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग अपर क्लास के होते हैं, लेकिन वो अपनी ऐसी गैदरिंग रखते हैं कि उनकी गैदरिंग से भी पता चल जाता है, जो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाती है, तो उनकी लैंग्वेज बहुत ही अजीब सी हो जाती है, जो बाज़ुकात एक अदब के जुमरे में नहीं आती। ठीक है, तो एक थर्ड चीज कौन सी होगी जो हमें एक्सेंट से पता चल जाएगी, कुछ आइडिया? इन दो के अलावा मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ, अगर हो गया तो, ये देखिए इन दोनों के अलावा, सोशल एंड रीजन के अलावा एक्सेंट हमें एक और चीज क्या बताएं? यस, समबडी रेज हैंड प्लीज, रेज हैंड अगेन सो आई कैन अनम्यूट यू। किसी ने यहाँ पे क्या रहा? यस 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 जी, अलेफिया बोलिए। मैम, वो एक्सेंट जो है वो एक इंसान की पर्सनालिटी भी हमें बहुत हद तक बता देते हैं। कैसे बताता हूँ? कैसे क्या मैम? बहुत से लोग ना फेक एक्सेंट यूज करते हैं ना कि बोलते वक्त, तो एक हमें आइडिया हो जाता है कि सामने वाले जब फेक एक्सेंट किसी चीज के लिए यूज करे तो उसकी पर्सनालिटी भी एक हद तक फेक हो सकती है, वो जो पोर्ट्रे कर रहा है हमें वो फेक हो सकता है, तो इस तरह वो एक्सेंट जो है वो पर्सनालिटी बताती है कुछ हद तक लोगों की।
सही, ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? थैंक यू अलिफिया, वेलकम। और कोई भी अगर आपको एग्जांपल समझ में आया तो बताइएगा हमारे साथ इसके अलावा। दिस इज ओके, मैं इसे देखूंगी। बच्चे का पता नहीं चलता एक्सेंट से, एज का भी तो पता चल जाता है, प्रोनाउंसिएशन, हाउ दे प्रोनाउंस थिंग्स। सो एक्सेंट जो है वो एक और चीज भी है कि वो हमें एक्सेंट से लोगों की एज का भी पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा जैसे अभी इन्होंने बताया है कि पर्सनैलिटी, विच इज गुड, ठीक है, पर्सनैलिटी आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी भी आपको बता सकते हैं, आपकी फेक पर्सनैलिटी है वो भी इससे पता चल जाएगा, जैसे लिफिया कह रही हैं। अच्छा, मेरी क्लास में रॉन्ग आंसर्स नहीं होते और ना मैं, हम लोग सब जो हैं वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं रिस्पेक्टफुली, अदब मुलाहिजे के साथ, बिल्कुल। तो एक हमें यह बात भी पता चल गई कि अगर किसी का फेक एक्सेंट है तो किसी हद तक उसकी पर्सनैलिटी भी फेक है। चलें, ये अग्री करना है, डिसएग्री करना है तो ये आप पे छोड़ते हैं, लेकिन एक्सेंट हमें लोगों की एज के बारे में भी बताता है, ठीक है। अब एज के बारे में हमें कैसे बताता है, तो वो हमें ऐसे बताता है कि एज से हमें पता चल जाता है कि बच्चा बात कर रहा है विजुअली, मतलब कोई हमारे सामने आके, जब तक कोई हमारे सामने नहीं आता, तो अगर हम किसी से फोन पे बात करते हैं तो अगर कोई बच्चा फोन उठा ले तो आपको पता चल जाता है कि किसी बच्चे ने फोन उठाया है, और आप उसको कहते हैं मम्मा पापा को आप अपने फोन दें या भाई बहन को फोन दें अपने, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन बताती है बहुत ही प्यारी सी। अच्छा, जैसे जैसे आप एज में बड़े होते जाएंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती चली जाएगी, आपका एक्सेंट जो है वो और ज्यादा सही होता जाएगा, बेहतर होता चला जाएगा, सही। तो जो चीज बेहतर होती चली जाती है तो उससे आपकी एज में, एज फैक्टर में ये चीज भी उसमें एक मदद मिलती है लोगों की एज को ढूंढने में, आई थिंक सो, मतलब अंदाजा लगाने में कि अगला शख्स किस एज ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ठीक है। टीनेजर जो होते हैं, जो उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके इंग्लिश बोलने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होगा एक ऐसा शख्स जो के बड़ी उम्र का हो, 25 का हो या 25 से अबव हो, और फिर जो बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के होते हैं टीनेजर से, वैसे नहीं, तो उनकी और प्रोनाउंसिएशन और उनके बोलने का जो अंदाज होगा वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा, उनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट हो जाएगा। इसकी एक वजह ये भी होती है कि जब हम टीनेजर में होते हैं, टीनेज में होते हैं, या फिर हम ट्वेंटीज में होते हैं, अपने ट्वेंटीज से लेके थर्टीज तक की जो हमारी एज होती है, तो उसमें हम, जैसे अलफिया कह रही थी कि एक तरह का हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इम्प्रेस कर सकें, तो हम एक फेक पर्सनैलिटी भी बनाने के चक्कर में रहते हैं। अब फेक पर्सनैलिटी में उस लिहाज पे तो हम इस बात पे बहस नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर करेंगे कि हम जो चीज़ भी इस वक्त, उस वक्त जिस ज़्यादा आपको कूल बना देगी, ठीक है, ज़्यादा आपको अपने फ्रेंड्स में एक अच्छा रुतबा दिला देगी, तो आप वो चीज़ अपनाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप वो चीज़ अपनाने की कोशिश करते हैं तो फिर आप फेक एक्सेंट्स भी बनाते हैं, और जो भी उस वक्त डोमिनेंट लैंग्वेज होती है, जो भी लैंग्वेज जो आपको अच्छी लगती है उस वक्त, जिसमें आप लोगों को इम्प्रेस करना चाह रहे होते हैं, तो आप वो एक्सेंट्स जो हैं वो अपनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि टीनेजर बच्चे अगर आपसे बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपसे गुफ्तगू करने के दौरान उनका जो एक्सेंट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, कम अज़ कम अबव 25 वाले बंदे से। 25 वाले का एक्सेंट किस तरह का होगा, कुछ आइडिया है? टीनेजर और 25 से अबव वालों के एक्सेंट में क्या फर्क होगा अगर आपसे पूछा जाए तो?
जी सॉरी, ये जरा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। जी तो बताइए कि क्या डिफरेंस होगा। एक ने तो अच्छा ये एक और सही। ओके वी हैव अ विनिंग आंसर ओवर हियर जो कि ठीक है। टीनेजर्स जो हैं वो ज्यादातर, हमने ये जो बात अभी थोड़ी पहले डिस्कस की थी वो यही थी कि वो कोशिश करेंगे लोगों को इम्प्रेस करने की, तो उस वक्त वो कोई सा भी एक्सेंट जो है अपना अपना सकते हैं। उनकी उर्दू भी बहुत डिफरेंट अंदाज की होगी या उनकी अपनी मदर टंग भी बहुत ही डिफरेंट अंदाज की होगी। लेकिन जब अगर वो इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में जो है वो थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। वो फ़र्क ये आएगा कि टीनेजर्स की जो इंग्लिश होगी वो बहुत ज़्यादा एक्सेंट जो है, या तो वो ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो कर रहे होंगे या वो अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक्सक्यूज़ मी, थोड़ी अजान हो रही है। I don't know, मेरे इलाके में हो रही है, शायद आ रही हो आवाज। तो जब हम टीनेजर्स को देखते हैं तो यही है कि वो कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने सारे साथियों को इम्प्रेस करें। तो इम्प्रेस करने के लिए वो कोई भी चीज़ अपना सकते हैं, कोई सा भी एक्सेंट अपना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो फिल्मों से, इस तरह का इंडियन कल्चर से या कोई और तुर्की फिल्मों या उनसे, उनकी चीज़ें भी वो अपने अल्फाज में, अपनी ज़बान में एडॉप्ट करके जो है वो अपने आप को कूल करने की, कूल बताने की, कूल दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारी बातचीत होती है बड़े बच्चों से, जो बड़े हो जाते हैं 25+ लोगों से, जो अडल्ट के जुमरे में आ जाते हैं, तो उनका ज़्यादातर एक्सेंट आप नहीं देखेंगे कि इस किस्म का हो। वो बड़ा प्रोफेशनल एक्सेंट होता है और मोस्टली वो न्यूट्रल होता है उनके अंदर, क्योंकि उनको उस तक प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी होती हैं तो उन्होंने इतना अपने आप को पॉलिश कर लिया होता है। वो इम्प्रेस जो होता है वो अपने आम दोस्तों को नहीं करना चाहते। अब जो वो इम्प्रेस करना चाह रहे हैं तो वो जिस जॉब के लिए जा रहे हैं तो वो उस लिहाज से करेंगे। तो अब जब उस लिहाज से अपनी स्पीकिंग
को रखेंगे, स्पीकिंग पावर को रखेंगे, तो उस पर प्रैक्टिस भी उसी लिहाज से करेंगे कि उनका एक्सेंट किस तरह का हो और लोगों को उनकी बात जो है वो समझ आए. क्योंकि अक्सर अगर आप ऐसे बंदे हैं जो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वी नो दैट कि अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश अगर आप प्योर फॉर्म में सुने तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं उनकी.